सुप्रभात बच्चों, सेकेंड सेमेस्टर में तीन पार्ट है। पहला भारतम मे गौरवम, दूसरा मार्गोहम और तीसरा श्लोक समुच्चय। पहला चैप्टर भारतम मे गौरवम। प्रिय बालिका भारतम अस्माकम गौरवम। प्यारे बच्चों, भारत हमारा गौरव है। प्राचीना अस्माकम संस्कृति, पुरानी हमारी संस्कृति अद्यापि जीवती, आज भी जीवित है। मधुरा देववाणी संस्कृतम, देवताओं की मधुर वाणी संस्कृत। स्व शब्द भंडारे, अपने शब्द भंडारों से देशस्य अनेका प्रादेशिक भाषा संपोषयति, देश की अनेक प्रादेशिक भाषाओं का पोषण करती है। इयं भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा, यह भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त है। इति विश्वस्य अनेकेषां विदुषां मतम्, ऐसा संसार के अनेक विद्वानों के मत है। देश अस्माकं प्रतिभा संपन्न वर्तते, हमारा देश प्रतिभा संपन्न है। ज्ञानस्य उदय, ज्ञान का उदय सर्वप्रथमं अस्य देशस्य रूपं एव अभवत्, सबसे पहले इस देश की धरती पर ही हुआ। चिकित्सा शास्त्रे आयुर्वेदस्य, चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद की चरक संहिता प्राचीनतम ग्रंथ मान्यते, चरक संहिता सबसे पुरानी ग्रंथ मानी जाती है। अस्य चिकित्सा पद्धति, इसकी चिकित्सा पद्धति अस्य यावत् न केवलम स्वदेशे, आज तक न केवल अपने देश में अपितु बल्कि विदेशे अभी प्रतिष्ठा लभते, विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। सुविख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट, सुप्रसिद्ध सुविख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट अनेक वर्ष पूर्व, बहुत साल पहले गणनायाम शून्यस्य कल्पना अकरोत्, गणना में शून्य का आविष्कार किए। विज्ञान क्षेत्रे महत्वपूर्ण उपलब्धि, विज्ञान के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इयम इति पाश्चात्य अपि स्वीकुर्वन्ति, यह पश्चिमी जगत के लोग भी स्वीकार करते हैं। प्राचीन काले पराशर ऋषिदा वृक्ष आयुर्वेदे प्रतिपादितम्, पुराने समय में परशर नाम के ऋषि वृक्ष आयुर्वेद में प्रतिपादित किए, यत कि पादपेषु अपि जीवनम वर्तते, पौधों में भी जीवन होता है। ते अपि सुख दुखम अनुभवन्ति, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। अद्यतने काले जगदीश चंद्र बसु महाभागे इदं प्रयोगशालायां प्रमाणितम्, आज के समय में महापुरुष जगदीश चंद्र बसु ने इसे प्रयोगशाला में प्रमाणित किया, साबित किया। अखिलम जगत भारतीय नाम, समस्त संसार भारतीयों की एकांकी उपलब्धि भी इस प्रकार की उपलब्धियों से विस्मितम आश्चर्यचकित है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदय एकदा उक्तवान, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदय ने एक बार कहा था, वयम भारतीय नाम अनुग्रहीता स्म, हम भारतीयों के अनुग्रही हैं। विज्ञान क्षेत्रे महत ही तेषां योगदानम इति, विज्ञान के क्षेत्र में उनके इस प्रकार के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। नोबेल पुरस्कार विजेता
नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सी वी रमन, रविन्द्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना च भारत मातु यशस्विना पुत्रा देशस्य गौरवास्पदम्। डॉक्टर सी वी रमन, रविन्द्रनाथ ठाकुर और हरगोविंद खुराना भारत माता के यशस्वी पुत्र देश के लिए गौरवप्रद है। एतेषां महापुरुषाणां सिद्धयः, इन महापुरुषों की सफलताएं अस्माकं प्रेरणा स्रोत खलु, वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। खेल जगति सचिन तेंदुलकर इति नाम उल्लेखनीय, खेल जगत में सचिन तेंदुलकर का नाम इसी प्रकार उल्लेखनीय है। सुविख्यात क्रिकेट क्रीडक, सुविख्यात क्रिकेट खिलाड़ी अयम पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि नाम अनेकेषां पुरस्काराणां विजेता। ये पद्म विभूषण इत्यादि अनेक पुरस्कारों के विजेता है। स्वभावेन अतीव विनम्र, स्वभाव से अत्यंत विनम्र, खेले च नितराम निगुण और खेल में अत्यंत कुशल, अयम सर्वेषां स्नेह पात्रम अस्ति, ये हम सबके स्नेह के पात्र हैं। लोक सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्था भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से पुरस्कृता द्वारा पुरस्कृत भारतीय आरक्षी बलस्य प्रथमा महिला अधिकारिणी, भारतीय आरक्षी बल की आरक्षी पुलिस बल की पहली महिला अधिकारी किरण बेदी अपूर्वम सम्मानम अर्हति। किरण बेदी ने अद्भुत सम्मान अर्जित किया। तिहार कारागारे बंदी नाम उद्धाराय, तिहार जेल में या कारागार में बंदियों के उद्धार के लिए तया कृतानी संशोधनानी प्रशंसनीयानी, उनके द्वारा किए गए सुधार प्रशंसनीय है। परिश्रमेण दृढ़ संकल्पे च किं न सिद्ध्यति, परिश्रम से और दृढ़ निश्चय से क्या नहीं हासिल किया जा सकता है या क्या नहीं प्राप्त होता है। संगणक क्षेत्रे हार्डवेयर पेटीएम चिप च इति सुयोग्य नाम भारतीयानां रचना एवं, कंप्यूटर के क्षेत्र में हार्डवेयर और पेंटियम चिप इसी प्रकार की सुयोग्य भारतीयों की ही रचनाएं हैं। भारतीय देशेषु अपि उच्च पदानि अलंकुर्वन्ति, भारतीय विदेशों में भी उच्च पदों पर सुशोभित हैं। देशस्य गौरवं च वर्धयन्ति और देश का गौरव बढ़ाते हैं। प्रिय बालिका देशस्य प्रगति अस्माकं लक्ष्य, प्यारे बच्चों देश की प्रगति देश का विकास हमारा लक्ष्य है। अस्य गौरवं न ध्येयः, इसका गौरव हमारा ध्येय है। दृढ़ संकल्पा वयं स्वदेशं उन्नति पथे नेष्यामः, दृढ़ निश्चय से हम अपने देश को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। लक्ष्यं च प्राप्स्यामः, और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। सफला भविष्यामः एकस्मिन् दिने, सफल होंगे एक दिन। मनसि न विश्वास पूर्ण विश्वास, मन में है हमारे विश्वास, पूरा है विश्वास। सफला वयं भविष्यामः एकस्मिन् दिने, सफल हम लोग होंगे एक दिन। एक महत्वपूर्ण गीत है ना, बड़ा प्रसिद्ध, हम होंगे कामयाब, संस्कृत में वही दिया हुआ। इस प्रकार इस पाठ में अपने देश भारत का परिचय दिया हुआ है, भारत देश के ज्ञान विज्ञान की प्रगति
और हमारे देश से जुड़ी हुई सामान्य ज्ञान की जानकारी दी गई। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे ताकि रीडिंग अच्छे से कर पाओ। शब्दार्थ लिख लोगे कॉपी पर और जो स्टडी मटेरियल गया है, पठन सामग्री गया है, उसे